अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं सभी लोग। जैसा कि पेशन गोई थी कि बारिश के साथ शुरू होंगे, इसी वजह से आप लोगों के साथ मानसून की जो स्पेल है उसकी फाइनल अपडेट लेकर आप लोगों के चैनल में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो से बेहतर को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप सब लोगों को मिल सके। साथ में घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। अगर मानसून सिस्टम के वैकना के फाइनल अपडेट के बारे में बात की जाए तो वैकना इस वक्त जो है एक हवा के कम दबाव की सूरत में दिल्ली के ऊपर मौजूद है, जो कि सिंध की जानब बढ़ रहा है, जिसके साथ अभी से सिंध की तरफ बना आ गए हैं। सिंध के जुनूब मशरक के इलाकों में सगम दरमियाई से तेज़ बारिश की इतला मिली है, जिसमें थरपाकर और सिंध के मलिका इलाके शामिल है। ये हवा का कम दबाव जुनूब मगरब की जानब बढ़ रहा है, जो कि इतवार तक सिंध की सैली पट्टी के करीब आ जाएगा, जिसकी सूरत में कराची में इतवार हफ्ते से मंगल के दौरान मूसलाधार गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने के इम्कान मौजूद है। हफ्ते की शाम रात से कराची में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। इस दौरान हफ्ते की शाम रात से कराची में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो कि इतवार को शदीद हो जाएगा। इतवार से कराची में मूसलाधार किस्म की बारिश होंगी। अगर फॉरकास्ट के हवाले से बात की जाए तो हफ्ते को कल कराची में 40% चांस है, देखिए दिन में कराची के शुमार बशे में बादल बने और शहर में बारिश हो जाए आंधी और तेज़ हवाओं के साथ, जबकि इतवार को शहर में ज़्यादा चांसेस है बारिश के और कराची में के मॉडरेट से हैवी से बल्कि ज़्यादा हैवी रेन हो के इम्कान मौजूद है। अगर ठंडा स्टॉम ताकतवर शिदत की बने तो कराची में शदीद मौसम हालात बादल फटने वाले हालात भी पैदा हो सकते हैं। ये सिस्टम कराची में शदीद होगा। अब अगर फॉरकास्ट की वजह से बात करें तो हफ्ते के दिन कराची में 40% चांसेस है तेज़ हवाओं के साथ आंधी के साथ बारिश के, जबकि इतवार को शहर में 70% चांसेस है कि कराची में हैवी रेन हो जाए, जबकि पीर को कराची में 80% चांसेस है पीर को भी कराची में हैवी रेन हो मॉडरेट से हैवी रेन के चांसेस है। अब अगर मंगल की बात करें तो मंगल को 55% चांसेस है कि कराची में तेज़ हवाएं चलें और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहे, क्योंकि 5 जुलाई को हम देख रहे हैं कि 5 जुलाई को सिस्टम कराची से दूर हो जाएगा, तो 5 जुलाई को इम्कान कम हो जाएंगे। समझे कल से 2 से 5 जुलाई के दरमियान कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद है। इस फॉरकास्ट में एक दिन का वक्फा, जैसे 4 तारीख को क्या पता कराची में बारिश ना हो, थंडरस्टॉर्म हिट में इसके चांसेस भी कराची के अंदर इस दौरान रहेंगे। आप लोगों को पहले ही अपनी इस फॉरकास्ट में बता रहे हैं। इस दौरान कराची में शदीद थंडरस्टॉर्म भी कराची के ऊपर डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से कराची में शदीद बारिश भी हो सकती है। तो अपने जानवरों का आप लोग खास ख्याल रखें। बारिश की मकदार की वजह से बात करें तो कराची में बारिश की मकदार वैसे तो 70 से 100 मिलीमीटर, जबकि अगर थंडरस्टॉर्म शदीद हुए तो 100 से ऊपर जाने के इम्कान, 100 से ऊपर 150 मिलीमीटर तक कराची में बारिश हो जाने के इम्कान मौजूद हैं। इससे भी मकदार तजावज़ कर सकती है और ख़तरनाक मौसम हालात पैदा हो सकते हैं। ये थी हमारे सिस्टम की फाइनल अपडेट। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो सिस्टम की अपडेट को लाइक ज़रूर कर दिएगा। तब तक के हिसाब से फिर मिलेंगे।